नेक्स्ट पॉइंट वेपर प्रेशर. व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम स्टेट. राइट, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर on the surface of solution during equilibrium state. मतलब जब solution के अंदर जितने भी particles liquid form में हो उतने ही particles surface layer के ऊपर vapor form में हो. और ये पूरा सी इक्विलिब्रियम स्टेट, इट मीन्स ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्लोज सिस्टम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में ही पॉसिबल होता है. राइट, ओके. तो क्लोज सिस्टम में जो वेपर के थ्रू जो भी प्रेशर मतलब अप्लाई होता है वो होता है वेपर प्रेशर. और वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट टाइप ऑफ अदरवाइज नेचर ऑफ लिक्विड. सी, जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं इट मीन्स जो भी सॉल्यूशन है वो लिक्विड फेज में ही होगा, बाय डिफॉल्ट हो गया. ओके, नेचर ऑफ लिक्विड, ऐसे लिक्विड जिनमें इंटरमोलेक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो उसमें इवेपोरेशन लो होता है. ओके, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जितना हाई हो उतना इवेपोरेशन लो होता है, क्योंकि एक दूसरे से अच्छी तरह से कंबाइन होते हैं तो इनका इवेपोरेशन इतना पॉसिबल नहीं होता है. वाइस वर्सा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लो, इवेपोरेशन हाई. ओके, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन ग्लिसरीन. ओके, मतलब ग्लिसरीन की कंपैरिजन में H2O का इवेपोरेशन थोड़ा ज्यादा होता है और उसकी कंपैरिजन में इथेनॉल का ज्यादा होता है. ओके, सेकेंड टेम्परेचर वेपर प्रेशर पर सीधा इफेक्ट करता है. वेपर प्रेशर बिकम इंक्रीज विथ टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा. राइट, बिकॉज कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड में जो भी मोलिक्यूल्स है राइट उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो सीधी बात है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस लेयर को छोड़ के बाहर जल्दी चले जाएंगे, मतलब इवेपोरेशन ज्यादा. इवेपोरेशन ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज. एक फॉर्मूला है log P2 upon P1 is equal to delta H वेपर फेज में डिवाइडेड बाय 2.303 R into T2 minus T1 डिवाइडेड बाय T1 T2. ये फॉर्मूला टेम्परेचर की वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होती है राइट ये रिप्रेजेंट करता है. Here P1 and P2, pressure 1 and 2 at the temperature T1 and T2, P1 at T1 and P2 at T2, right? Raoult's law for volatile solute.
ओके, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। जब राउल्स लॉ की बात करते हैं तब ये मान के चलना है कि जो भी सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। ये बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो किसी भी टू टाइप्स के कंपोनेंट से बना हुआ होता है, ओनली टू टाइप्स, उसे ज्यादा नहीं। कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, इन दो टाइप के कंपोनेंट से ही ये सॉल्यूशन बना है और दोनों के दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल है, क्योंकि ये पूरा थियरी है मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्वेंट जो लिक्विड है वो तो वोलेटाइल ही होगा, लेकिन सॉल्यूट भी यहां पर वोलेटाइल ही है। तो कंपोनेंट ए वो होगा सॉल्वेंट, कंपोनेंट बी सॉल्यूट, राइट? ओके। जब वेपर प्रेशर की बात चलती है तो इसके पहले हम लोगों ने हेनरीज लॉ देखा था, राइट? हेनरीज लॉ क्या कहता था, डाल्टन का भी स्टेटमेंट देखा था। उसके हिसाब से जो भी प्रेशर होता है वो प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन होते हैं उसके प्रोपोर्शन में होता है। तो वही पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन के ऊपर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होगा, राइट, वो प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके पैरेलल होगा, राइट? अच्छा, एक मतलब ये भी ध्यान में रखना है कि आगे हमने देखा कि ये सारी सिचुएशन क्लोज सिस्टम में हो रही है, और क्लोज सिस्टम में तब भी जब इक्विलिब्रियम हो, और इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए की बात करें तो सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट के जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे उतने ही वेपर फेज में भी होंगे। जितना सॉल्यूशन सॉरी कंपोनेंट ए वेपर में कन्वर्ट होता है उसी उतने ही मतलब क्वांटिटी में ए कंपोनेंट जो वेपर फेज में है उसमें से सॉल्यूशन में मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये स्टेट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये पूरी सिचुएशन तभी पॉसिबल होती है जब इक्विलिब्रियम हो सॉल्यूशन में, राइट? सिस्टम जो भी है उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो तभी ये पॉसिबल होता है। तो कंपोनेंट ए के लिए पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए, बी के लिए पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी हो गया। ओके, सो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, सेम वे पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स पी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ पी ए पी बी एंड पी ए नॉट पी बी नॉट? पी ए एंड पी बी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मतलब कि जब भी सिंपली ए की बात करते हैं कंपोनेंट ए के लिए पी ए एंड पी ए नॉट क्या होता है? ओके, एक्स ए यू नो सॉल्यूशन के अंदर ए पार्टिकल के मोल फ्रैक्शन जो भी होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है एक्स ए, फाइन। पी ए सॉल्यूशन जब भी बन रहा है मतलब जब सॉल्यूशन बन गया है तब सॉल्यूशन में जो पार्टिकल ए होगा कंपोनेंट ए होगा उसका पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। बट व्हाट इज पी ए नॉट? पी ए नॉट वो होता है जब कंपोनेंट ए प्योर फॉर्म में हो, मतलब वो सॉल्यूशन में नहीं है। सॉल्यूशन में एड करने से पहले सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करने से पहले जब दोनों अलग अलग थे प्योर फॉर्म में थे ए एंड बी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तब उन जब मतलब प्योर फॉर्म में होते हैं तब जब उनका जो प्रेशर बनता है वो जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो प्रेशर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब पी बी सॉल्यूशन में जब भी है, राइट, तब बी कंपोनेंट का प्रेशर होगा, एन पी बी नॉट जब कंपोनेंट बी प्योर फॉर्म में होगा तब उसके थ्रू जो भी प्रेशर अप्लाई होता है वो होगा पी बी नॉट एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन, राइट? अभी पी ए एंड पी बी मतलब दोनों कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर अप्लाई होगा टोटल प्रेशर वो ए एंड बी दोनों के थ्रू जो भी प्रेशर लगता है ना वो उसका टोटल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू
ईए प्लस ईबी। ओके, ईए एंड पीबी की वैल्यू यहां से मतलब यहां से लेते हैं, ईए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। ओके, एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन अ सॉल्यूशन, राइट। ए एंड बी के मोल फ्रैक्शन है, पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हो, जितने भी कंपोनेंट्स हो, सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है टोटल वो वन होता है। एक्स ए प्लस एक्स पी इज इक्वल टू वन होगा, इट मीन्स एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स पी होगा, राइट। तो पी ए नॉट एक्स ए की वैल्यू वन माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ओके, ब्रैकेट ओपन करें, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं, पी ए नॉट, अच्छा ये प्लस वाला टर्म आगे ले लेते हैं, तो प्लस पी बी नॉट, माइनस इसको पीछे रखेंगे, पी ए जीरो इंटू एक्स बी, पी टोटल, ये फॉर्मूला बन गई। इसी फॉर्मूला को कंसिडर करते हुए कुछ कंक्लूजन्स है, जैसे फर्स्ट पी टोटल सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जो टोटल प्रेशर अप्लाई होता है वो पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी दोनों में से किसी भी पार्टिकल के मोल के फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगेन, सरफेस के ऊपर जो टोटल प्रेशर अप्लाई होता है वो टोटल प्रेशर कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी दोनों में से किसी के भी मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड, टोटल प्रेशर कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको लीनियरली वैरी करता है। थर्ड, जो टोटल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स ए, एक्स ए के इंक्रीमेंट के साथ पी टोटल इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, राइट। ओके, तो ये तीन कंक्लूजन निकलते हैं। अभी पार्शियल प्रेशर मतलब पी टोटल एंड मोल फ्रैक्शन के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया जाए। एक्स ए एक्स बी दोनों अलग अलग सिचुएशन है। एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर एक्स ए की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में एक्स ए है ही नहीं, तो बाकी बचा बी, तो एक्स बी है। और अभी देखा हम लोगों ने कि मोल फ्रैक्शन का टोटल वन होता है, तो सपोज एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स बी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स है ना वो बी ही है खाली, तो जो भी प्रेशर अप्लाई होगा वो भी बी के थ्रू ही होगा, तो वो प्रेशर होगा पी बी, राइट। ओके, सेकंड सिचुएशन ये है, एक्स ए एंड एक्स बी, सपोज एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा, उस टाइम पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो प्रेशर होगा पी ए, क्योंकि सॉल्यूशन में बी है ही नहीं, तो जो भी प्रेशर अप्लाई होगा वो ए के थ्रू ही होगा, तो वो प्रेशर हो जाएगा पी ए, राइट। ओके, अभी इन दोनों का जो टोटल करेंगे पी ए पी बी, वो हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इस ग्राफ को कंसीडर करें तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ग्राफ के थ्रू। सी, एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स बी इज इक्वल टू वन, एट दैट टाइम द प्रेशर इज इक्वल टू पी बी। ओके, पी बी एंड पी ए, ये जो ग्राफ दिख रहा है उसके ऊपर से ये निकलता है कि पी ए लेस देन पी बी, मतलब हुआ कि सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन में बी कंपोनेंट की कंपैरिजन में ए कंपोनेंट थोड़ा कम है। ओके, सी, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है, मतलब कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पी ए लेस देन पी बी, लेकिन हर टाइम पर ऐसा नहीं होता है, पी बी लेस देन पी ए भी हो सकता है,
ये कंक्लूजन इस ग्राफ से निकलता है, मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं ना, उस पर से ये दिखाई देता है कि यहाँ पर पी ए की वैल्यू पी बी की कंपैरिजन में कम है। अगर सॉल्यूशन में बी की वैल्यू पी के ए की वैल्यू, मतलब कि कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, सपोज कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी की कंपैरिजन में ज्यादा है, तो उस टाइम पर पी ए ग्रेटर देन पी बी होगा। ये जो लिखा है वो जो दिख रहा है उसके ऊपर से लिखा है, ओके तो इसका उल्टा भी हो सकता है, राइट। सेकेंड पॉइंट ये होगा, इसी के ऊपर से ये जो ग्राफ है राइट, उसके ऊपर से सेकेंड पॉइंट ये बनता है कि पी टोटल राइट, पी टोटल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पी टोटल जो भी मिल रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, पी बी, एंड मिनिमम वैल्यू पी ए। ये ग्राफ देखा था है राइट, अगर ग्राफ चेंज हो गया, अगेन आई रिपीट, सॉल्यूशन में अभी इस ग्राफ, मतलब ये जो दिख रहा है ना उसके हिसाब से ऐसा है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट बी ज्यादा है तो ये सब निकल रहा है। सपोज सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए ज्यादा हो गया तो ये जो भी है सब वाइस वर्सा, मतलब सब उल्टा हो जाएगा, पी ए लेस देन पी बी है, पी बी लेस देन पी ए हो जाएगा। एट दैट टाइम पी टोटल, अभी मैक्सिमम पी बी है तो उस टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू पी ए हो जाएगी, बट राइट, बट अभी जो दिख रहा है उसके ऊपर से ये कंक्लूजन निकल रहा है। तो ये हुआ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउंड्स लॉ, ओके। आगे हमने हेनरीज लॉ देखा था, उसकी फॉर्मूला बनती है पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, राइट, ओके। राउल्ट लॉ, उसकी भी फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, दोनों फॉर्मूला सिमिलर है। सपोज सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपाउंड, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट अगर गैसियस फॉर्म में हो तो ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप की सिचुएशन में ही पॉसिबल होता है, हर एक सिचुएशन के लिए ये नहीं होता, राइट। तो ये तो प्रेशर हो गया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, हेनरीज कॉन्स्टेंट एंड द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन ए प्योर स्टेट, राइट, इन दोनों की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, लेकिन कब, जब कोई स्पेशल टाइप की सिचुएशन हो तभी, राइट। वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल है तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, बट सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है बट सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल हो ऐसा एड कर दिया जाए तो, मतलब अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में होगा, राइट। तो क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जो सरफेस होगी, सरफेस लेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, वो पूरे के पूरे वोलेटाइल नहीं होंगे, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल दोनों का मिक्सिंग होगा। उससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो तो वोलेटाइल है जानते हैं, लेकिन उसका इवेपोरेशन इतना नहीं होगा जितना इसके पहले जो थियरी देखी थी वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, उसमें जितने प्रपोर्शन में सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है उतनी प्रपोर्शन में इस बार सॉल्वेंट का इवेपोरेशन नहीं होगा। उसका रीजन, क्योंकि सरफेस लेयर के ऊपर, आई मीन सरफेस लेयर पर जो भी टॉप लेयर है सरफेस की, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, जिसकी वजह से वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं मिलती है, और इसीलिए वो बाहर नहीं जा, मतलब नहीं जा सकते हैं, और इसीलिए उनका इवेपोरेशन रेशियो थोड़ा लो हो जाता है, राइट। तो ये जो इवेपोरेशन उनका डिक्रीज हुआ वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करेगा जो सॉल्यूट है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, टाइप के ऊपर नहीं, कौन से टाइप का सॉल्यूट ऐड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये, राइट। तो जो ये इवेपोरेशन रेशियो या फिर प्रपोर्शन हुआ सॉल्वेंट का, वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, थ्री अलग अलग कंटेनर लेते हैं, सब में एक लीटर
ओके सॉरी H2O थ्री कंटेनर से अलग अलग राइट, तीनों में अलग अलग एक एक लीटर पानी ले लिया, उसमें से एक कंटेनर में 100 ग्राम सॉल्ट लिया, दूसरे में 100 ग्राम शुगर और तीसरे में 100 ग्राम यूरिया। इसमें इन तीनों कंटेनर में से कौन सा कंटेनर ऐसा होगा कि जिसमें पानी का इवेपोरेशन सबसे ज्यादा कम होगा? अगेन कौन सा कंटेनर होगा? कंटेनर नंबर 1, 2 एंड 3, तीन में से कौन सा कंटेनर होगा जिसमें इवेपोरेशन कम होगा? राइट, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा क्योंकि सब में इक्वल फॉर्म में इवेपोरेशन होगा। क्यों? सॉल्ट, शुगर एंड यूरिया, इट डजंट मैटर, ये मैटर करता है कितनी क्वांटिटी है। सब में 100 ग्राम है, इक्वल क्वांटिटी, तो इवेपोरेशन रेशियो में जो डिक्रीमेंट होता है वो भी इक्वल ही होगा। ओके, अगर ऐसा किया जाए कि दो अलग अलग कंटेनर लिए जाए जिसमें एक में एक लीटर पानी में 100 ग्राम सॉल्ट और दूसरे में 200 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया जाए, राइट, तो इन दोनों में से कौन सा कंटेनर ऐसा होगा जिसमें इवेपोरेशन ज्यादा कम होगा? तो ये वाला, इसका इवेपोरेशन जितना होगा उसके कंपेरिजन में इसमें थोड़ा कम होगा, बिकॉज हाँ दोनों सॉल्यूट सेम है बट क्वांटिटी डिफरेंट है। तो सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन कम होगा, सिंपल राइट। ओके, और एक फॉर्मूला बनता है वॉलेटाइल कंपाउंड्स में जो आगे छूट गया, कि वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्ट वॉलेटाइल है तो सीधी बात है वो इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेट जो भी सॉल्यूट हुआ उसका जो मोल फ्रैक्शन है पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, सेम वे पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल। जो भी सॉल्यूट है वो सॉल्यूट इवेपोरेट होता है मतलब वेपर फेज में है, तो वेपर फेज में जो भी सॉल्यूट होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई से रिप्रेजेंट होता है, तो वो मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होता है। वाई ए एंड एक्स ए में क्या डिफरेंस होगा? वाई ए भी मोल फ्रैक्शन है एंड एक्स ए भी मोल फ्रैक्शन है, दोनों ए पार्टिकल्स के ही है, पार्टिकल ए के लिए एक्स ए एंड वाई ए ये भी मोल फ्रैक्शन हो गया, ये भी मोल फ्रैक्शन हो गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? ये एक्स ए सॉल्यूशन के अंदर होगा। जब पार्टिकल ए सॉल्यूशन में है तब सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक्स ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड वाई ए वेपर फेज में मतलब जब इवेपोरेशन होता है राइट, उस टाइम पर पार्टिकल ए जो वेपर फेज में है तो जो वेपर फेज में पार्टिकल है उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये दोनों डिफरेंट है, एक्स सॉल्यूशन के अंदर वाई वेपर फेज में। ओके,